सबसे ज्यादा जो की समस्या है वह पशुपालकन उठानी पड़ी। वहाँ से उठा दिया हमको और फिर हम अभी जा रहे हैं घर, और क्या करें। तीन ऊंट पे क्या, तीन तो खर्चा खर्चा में पूरा हो गया। स्वरूप जी बाढ़ में स्थिति दूर से चाल के आए हो, ऊंटा तो पता लेके भी मजा नहीं आगे बहे, ये और जगह बीमार हो जाते। रोटे बोटे के पानी नहीं है, मारे पीवा कोई नहीं है, पशु में तो कटू लावा। बाल विवाह हो ना, तो बाल विवाह आप ही 21 साल की उम्र में होना चाहिए, ब्याह था ब्याह हो 19 साल की उम्र में। चेहरे की स्मेल बताइए, थारा लगे माटी के अंदर सोने के लिए मैं मजबूर ही। अपनों से ज्यादा तो जानवर वफादार होते हैं, जो अपनी वफादारी निभाने में जान तक दे देते हैं। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको राजस्थान। जलको राजस्थान में बहुत स्वागत है। जयधन बेरो की अजमेर के पुष्कर मेलो जो को एक तारीख से शुरुआत हुई भी की, और भी की इस बार जो की सबसे ज्यादा जो की समस्या है वह पशुपालकन उठानी पड़ी ही। अब देख रहे हैं कि बड़े से जगह वन खदेड़ दिया गया है, जो को पशु जो को मेन ग्राउंड जो को मेला ग्राउंड और भी के बाद में लगभग 4-5 किलोमीटर ये मैदान जो थर मेरे पीछे दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल खाली मैदान था बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। कुछ अपन 4-5 जगह ऊंट ही बे ओनली अपन उरे दिखाई दे रहे हैं। जो को मेलो पूरे राजस्थान के अंदर फेमस हो पशु मेला के नाम पर है, यानी कि सिर्फ 6 ही ऊंट जगह ही बे बच्चा ही, और ये भी अभाव बात करा कि कुछ चंद समय का मेहमान ही ट्रक उरे लगा लियो गयो है, माटी कमा गिरी जा रही है। वो शायद वह बिकले होगी कि एक अंदर जगह ऊंट ही मान बिठा के ले जाऊंगा ताकि बाघा पग वगैरह झूली नहीं। कारा फा उड़ाया हा खूब सारा ऊंट हा, और खरिया कि 50% ही बिक रहे हैं, और सला बिक रही भी से बहुत कम बिक रहे हैं। पुलिस वाला जगह ही परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, प्रशासन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी बनकर हो रही है। बातचीत ऐसा कराँगा। राम राम। तो ये ट्रक क्या भर रहे हो माटी को? ऊँट वास्ते भरा, सब ऊँट अभी 7-8 ऊँट है वो घर लेके जा रहे हैं बाढ़ में। तो ये बचरा जगह सब सारा ही हमारा ही। कितना लेके आया थे? मैं 10 ऊंट लेके आया, 10 लेके आया, 3 ऊंट बेच दिए। अच्छा। बाकी तो ये मेड़ा वहाँ से उठा दिया हमको, और बिके नहीं, ग्राहक भी ज्यादा आए नहीं क्योंकि कागदा मेड़ा बंद था। अच्छा। इसलिए बाहर के बोपरी जो आए नहीं, और हम अभी जा रहे हैं घर, और क्या करें। अच्छा बताओ कितने और साला भी एग्रो हो गए हो जाया करा सर? कितना ऊँट लेके एग्रो हो? रोज आया करा 10-15 ऊँट लेके आते हैं, सारा बिक सारा बिक जाता है, लगभग मतलब 1-2-4 रहता है, 1-2-4 रहता है। अब क्या मैंने बताओ, 10 में से 3 ही बिके हैं, तो 3 बीवी को थोड़ी कोई मजदूरी कोई बावड़ी है की कौन बावड़ी सर? जो ट्रक को किराए भी कराऊं लगे कोई, वो 3 ऊंट पे क्या, 3 तो खर्चा खर्चा में पूरा हो गया। हां, आने खानो भी है, आपको चारो भी है, आपको पानी भी की व्यवस्था भी है। टिंगरी है सगे मैं ही हां, ऊंटन चारो ही लानो पड़े। कितना आदमी आए थे टोटल? मैं यहां 10-15 आदमी। तो थारो मतलब थारो खानो खर्चो है वो ही कौन निकलो कोई हुआ? मैं बताऊं कि कितनी की परेशानी हो रही है? परेशानी घनी है सर, 15 दिन तो लाग गया माने रास्ता माउ तने। अब सागे ऊंट पैदल आया, जन पाछे तो जाई जी कोनी पैदल, तो जन ई वास्ते ट्रक में लोड कर ले जाऊं। बाकी थाका के थके ही तो कैसा आया हो? बाड़मेर से। बाड़मेर से आया हो? बाड़मेर। नाम कहीं तरह? स्वरूप। स्वरूप जी बाड़मेर से इतनी दूर से चाल के आए हो, ऊंटा तो पैदल लेके भी मजा नहीं आगे बहे, ये और जगह बीमार हो जाए, तावड़ा आएगा जोर का अपनी उम्र को मना, लेकिन तावड़ा बहुत ज्यादा है। तो बिक लेटर आया ट्रक को किराया कितना लागू होगा? ट्रक को किराया लागू 25,000। 25,000 अब देश कहा कि एक ऊंट को जो को मोल भी मेरे मुझसे तो रहता होगा। हाँ, एक ऊंट का मोल है। तो एक ऊंट तो मैं मान लो कि थे 3 गुने थे, तो 4 ऊंट ही जगह है वो बेच की जा रहे, एक तरह से मान लो बेच की जा रहे हो, तो 25,000 रुपया घर घाटो और खा के जा रहे हो। तो मैं बताओ कि प्रशासन की कितनी की गलती है, पहले से बताना चाहे हो कि नहीं बताना चाहे हो? वो बताओ कौन? अच्छा वो मैंने बताया कौन बैठा बैठा। अच्छा। और 10-15 और गड्ढा था, और मारे बाढ़ मेरे का पशु आ जगह 2-4 50-60 ऊँट ले रहा है पैदल, बट बैठा बट पुलिस वाले के यहाँ से निकलो, जब निकल गए तो कहाँ जाए, पैदल आए 2-4 दिन इनको भी आराम चाहिए ना, फिर हम लट मारे आगे नहीं लट लुट को मारे। अच्छा बताओ कि थे बताओ कि कहता कि ना आए थे? मैंने आज आए नहीं थे, 10-15 दिन हो गया। तो 15 दिन से मैंने बताओ कि रोटे बटे की व्यवस्था चाली है? रोटे बटे के तो पानी नहीं है, मारे पीवा कोई नहीं है, पशु में तो कटू लावा, और बहुत परेशानी हुए सब आपके तो। फिर उनके सागे होगी? हाँ सागे। हाँ तो 10 ऊँट लेके आए? 10 ऊँट लाए। कई रुपया होगा? कई रुपया सिर में खोपे में खा के जा रहे हो? 20-25 हज़ार खर्च हो गया जी। तो खर्च हो गो हो गो। अब ये ट्रक का खर्चा तो और है, ट्रक को खर्च और है। हाँ। यानी कि मेड़ो जो को है वो लगभग आ रहा 50,000 रुपया माइनस में गयो है। माइनस में गयो। सोच की क्या है? के सोच का आया ऊँट बिक जी, तो खर्चो लागे कोनी, कोई बचत भी होती थी मेरे हिसाब से कोई 15-20 हज़ार रुपया की होती। हाँ अड़ी होती तो बिल्कुल। अरे उन्होंने तो बहुत दूर की बात है, 50,000 रुपया की जगह वो घरों और लागा। घरों बिल्कुल। हाँ तो टाइम पैदल आएंगे? हाँ तो पैदल आए। क्या दिन लगे थाने? मैंने लग गया 10 दिन। ये ऊँट जगह दिख रहे हैं 7-6 गिने में एक और कड़े था ऊँट। सातु थारा आएंगे? सातु मारे। अब मारे पेट में पाए, पेट पालन अंग मत ही है, ऐ नहीं बिके तो बच्चा ने कहीं खिलाऊ। नाम कहीं तरह? मारा नाम शेरू है। टाबर कहीं तरह? टाबर है, 2 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चा है। बच्चा टाबर साग लेके आए? नहीं, एक बच्चा ही लेके आए। एक बच्चा लेके आए बिल्कुल। मेलो दिखाने ले? मेलो दिखाने। मैडम क्यों खर्च पानी भी कराया? खर्च हो गया ना, जो 25,000 हो गया, क्या करें
अब कुछ बचा नहीं पास में। देखो 10-20 रुपया को कोई खर्चो तो देखो लिखेड़ो है, ऑब्वियस बात है कि होनो तो नहीं चाहिए, बहुत गलत हो, प्रशासन बहुत गलत करो, घरों रिपेयर आना बहुत गलत बात है, लेकिन फिर भी 50,000 रुपया खर्चो तो दोगो है, 10-20,000 रुपया, 10-20 रुपया और कर दो टाबर पर, क्या फर्क पड़ना अब को नहीं करना है। जेबा खाली अब क्या बता रहे हो, 100 रुपया आगे ऊँट बिके या ना बिके 100 रुपया तो दिन का आना चाहिए चाहिए, जो कुछ भी हो जाए। पता है नहीं कि भाई पापा के पास में पैसा है या नहीं है। तारा ब्याह होगी ना? हमारी ब्याह है। उम्र कितनी होगी तारी? उम्र 21। तो ब्याह कैसे साल होगी? दो साल हुई ब्याह। दो साल मतलब 19 साल का ब्याह हो? बाल विवाह हो? बाल विवाह नहीं करना चाहिए। बाल विवाह क्यों बाल विवाह हो ना, तो बाल विवाह आप ही होगा 21 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में। मारे बेटे 15-17-18 साल को वजन पढ़ना है, पढ़ना तो दी लेकिन वो कागजा हिसाब से तो गलत है ना, कागजा हिसाब से गलत है। जल्दी की लागी? जल्दी लागी सर। की लागी? लागी जे तो तारे लागी, घर का लागी, घर का लागी, घर का बोल घर का लागी, तो चेहरे की स्मेल बताइए थारे लागी है। दो साल में दो टापर होगा मतलब जल्दी तो तारे ही के लागे तारा। मार भतीजे भतीजे लगे जद यहां आके ही ना तारे को नहीं ना। अच्छा मैंने बताओ कि मेले के अंदर आया है, तो जद शुरू में जद थे आया 15 दिन पहले भी टाइम तो शायद मेले के अंदर ही बैठे ही गया सीधा थे? नहीं बैठे बैठे गए के, तो बड़े एक दो दिन रहया भी के बैठे रहे। क्या दिन रहया? 4-5 दिन रखे। फिर क्यों हो? दीपावली बैठ मनाई दो। अच्छा फटाका फोड़ा के फटाका तो कहेंगे लावा पीछे हाक बन कने क्या मनाई? यही मना लिया बच्चन खुश कर दिया, बड़ा बिड़ा लिया फिर में। और 4-5 दिन बाद क्यों हो? 4-5 दिन बाद में आया पुलिस वाला, प्रशासन वाला आए कि निकलो यहाँ से, मेला बंद है। तो पहले बता देते तो हम इतने आते ही नहीं, इतना खर्चे ही नहीं होते हमारे वहाँ खड़े रहता। कम से कम इनकम तो हो ही ना हो, लेकिन कम से कम खर्चो तो कौन हो? तो खर्चो कौन हो? तो 50,000 रुपया कौन भरोगे? सरकार भरेगी, सरकार कोई नहीं देगी। अब हमारे किसान घाटो है तो अठान बैठ गया, अरे कोई पानी की सुविधा नहीं, ठीक है तो बैठ गया मैं एक दो पशु बिक्या, वो खर्चो हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 3 ऊँट बिक्या है और बण को जो वो रोटी पानी के अंदर खर्चो हो गो, और 50,000 रुपया जगह पे माइनस ले गए घर जा रहे थे अंदाजो लगा सका कि इतनी परेशानी जी उठानी पड़ रही है। पैसा तो लागे है, साथ में आगे मेहनत आप जोड़ी को है, लेकिन कम से कम आगे मेहनत के हिसाब से माटी गेर रहे हैं, कम से कम भी कितनी सारी किलो माटी कमा पड़ेगी। ग्राउंड आप देख सका बिल्कुल खाली ग्राउंड अपन दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक कोई भी ऊँट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 7 ऊँट बच्चा ही। पुष्कर पशु मेड़स है, पशु जगह ही बे हिसाब से गायब होगा ही, जिस हिसाब से गदे के सिर पर सींग गायब हो गए ही। बिल्कुल आप अंदाजो लगा सका कि कितनी ज्यादा परेशानी है। पशु जो दफा उड़ाया तो बिल्कुल हजारा की संख्या में जगह पूरा ऊँट हा, और बन गए आप देख रहे हैं कि आप एक वीडियो बना भी देखे कि कलर वगैरह बनकर कर रहा है, कुछ 2 रुपए की इनकम बनकर हो जा, लेकिन इनकम तो बहुत दूर की बात है, नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ रहा है। लगभग कई जगह बताओ जी बात करिए बता रहे कि 10 से 20 साल होगी मान पूरा पुष्कर मेला के अंदर आता, हर बार जब भी आता कुछ ना कुछ 2 रुपया को इनकम करके भी ले जाता है, आपके टावरान में पालता है, लेकिन ई बार जो को पहली बार आए को है कि प्रशासन की गलती, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की गलती की वजह से जो को है वो नुकसान उठानो पड़े है। आपने राजस्थान के पूरा जितना भी पशुपालक ही बने हिसाब बिल्कुल यो बना हो कि 10 से 15 दिन पहले यो अनाउंसमेंट क्लियर हो जानो चाहे हो, पशु मेला के अंदर जो है वो पशुओं को आनो खरीदनो बेचनो निषेध है, ताकि उरा आता नहीं आके तो नुकसान होने। तो अब देख रहे हैं कि कुछ फॉरेनर्स भी उरा आ रहे हैं और फोटोज वगैरह भी क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि भी साइड में जगह ये ऊँट होमी कोने, तो आके लिए भी एक कोतूल को विषय बन रहा है। मेन बात आप देख सका कि हिसाब से सामान बन को उरा पड़े है, माटी के अंदर छोड़ने के लिए भी मजबूर ही, चूल्हो आप देख सका कि हिसाब से 2 ईंट लगा के वह चूल्हो बनाया होगा, कटे से भी लकड़ी लेके आया होगा, मिंगना से भी रोटी सेकी होगी, वो आप देख सकें तुआ की हालत आप देख सका हाँ, और बिल्कुल परात की हालत आप देख सका, कटोरी देखो इन हालत जी की भाई इतनी ख़राब होगी कि खानो तो दूर की बात है। अगर इतना नुकसान अगर कोई आदमी को हो जाए तो खानो भी के कंठा कह रड़गो, आप बिल्कुल इस चीज़ को अंदाजो लगा सका। तो वीडियो ने पूरा देना था लग गया कि पशुपालक की जगह परेशानी बा कितनी की गंभीर है, और इसके पीछे की जगह वजह है बा प्रशासन के पीछे वजह जी आपने बिल्कुल समझ में आवा है। थारी जी की राय मान कमेंट को जरूर दोगा, वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जल को राजस्थान के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।